आज फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ इट्राकोनाजोल कैप्सूल के बारे में जानकारियाँ। फ्रेंड हम इस वीडियो में जानेंगे कि इट्राकोनाजोल कैप्सूल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और इस कैप्सूल के क्या क्या जो साइड इफेक्ट है, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देंगे आपको। उससे पहले हमारे चैनल पर जो नए आए हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। तो चलिए फ्रेंड बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इट्राकोना कैप्सूल के बारे में जानते हैं। इट्राकोनाजोल कैप्सूल, इस कैप्सूल का उपयोग कई प्रकार की बीमारियों के लिए किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से स्किन इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। फ्रेंड इस बीमारी में अब हम जान लेते हैं कि स्किन इन्फेक्शन होता क्या है। स्किन इन्फेक्शन इस बीमारी में त्वचा, जिसे इंग्लिश भाषा में स्किन कहते हैं, स्किन इन्फेक्टेड होने के कारण इसमें कई प्रकार के रोग होना शुरू हो जाते हैं, जैसे दाद, हाई डाइपर, रैसेस, एथलीन, फूड फंगल इन्फेक्शन आदि रोग स्किन इन्फेक्शन के कारण होते हैं, जिसे स्किन इन्फेक्शन का लक्षण कहते हैं। इस बीमारी में अलग अलग रोग के लिए अलग अलग बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि सेल्यूलाइटिस रोग, इस रोग के लिए स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, जिसमें इस दवा का उपयोग किया जाता है। अब फिर हम बात कर लेते हैं इसके अलावा इस दवा का और भी कई उपयोग है, तो हाँ इस दवा का और भी कई उपयोग है, जैसे कि इस दवा का उपयोग और कई प्रकार की बीमारियों के लिए किया जाता है, जैसे हड्डी का संक्रमण, सेप्टिक गठिया, कैंडिडियासिस, फंगल इन्फेक्शन आदि में इस दवा का उपयोग किया जाता है इट्राकोनाजोल का। अब फिर हम बात कर लेते हैं कि इस दवा के क्या साइड इफेक्ट भी होते हैं इट्राकोनाजोल के, तो हाँ इस दवा के निम्न साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कब्ज हो जाना, मछली एवं उल्टी, पेट में गैस, अपच आदि साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसे साइड इफेक्ट दिखें तो इस दवा का उपयोग करना तुरंत ही बंद करके अपने डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, उसके बाद ही इस दवा का उपयोग करना चाहिए। अब फ्रेंड हम बात कर लेते हैं कि इस दवा का उपयोग करने का तरीका क्या है और ये दवा कहाँ से मिलेगी। इस दवा का उपयोग करने का तरीका, अगर स्किन इन्फेक्शन अधिक है, जिसे हम दाद कह सकते हैं, दाद अगर अधिक है या एथलीन फूड रोग अधिक है, तो इस दवा का उपयोग एक एक गोली सुबह शाम करना चाहिए। अगर हल्का लक्षण है, अभी शुरुआती दौर है, तो इस दवा का उपयोग एक एक गोली दिन में एक बार करना चाहिए। अब फ्रेंड हम बात कर लेते हैं कि यह दवा कहाँ से मिलेगी। इस दवा को आप किसी भी मेडिकल हाल से इट्राकोनाजोल कैप्सूल 200 mg के फार्मूले से आप किसी भी मेडिकल हाल से प्राप्त कर सकते हैं। यह हर मेडिकल हाल पे उपलब्ध रहेगा। मात्र 199 रुपये में आप किसी भी मेडिकल हाल से यह कैप्सूल प्राप्त कर सकते हैं। 10 कैप्सूल का स्ट्रिप आता है, यह किसी भी मेडिकल हाल से ले सकते हैं। अब बात हम कर लेते हैं कि क्या इस दवा का उपयोग गर्भवती महिलाएँ भी कर सकती हैं इट्राकोनाजोल का, तो हाँ इस दवा का उपयोग गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। यह दवा गर्भावस्था के समय माँ एवं बच्चे के लिए सेफ मानी गई है, इसलिए इस दवा का उपयोग गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। फ्रेंड आप अधिकतर देखते होंगे कि गर्भावस्था के समय ल्यूकोरिया, फंगल इन्फेक्शन आदि समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं महिलाओं में, जिसमें इस दवा का उपयोग किया जाता है अल्ट्राकोनाजोल का। तो फ्रेंड इस दवा के यही यूज एवं साइड इफेक्ट हैं। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें।